नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश का अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जो रिलेटेड होगा बाई। हमारा क्या होगा डब्ल्यू फैमिली से, डब्ल्यू एच फैमिली से क्या होता है हमारा व्हाट व्हेन व्हिच है ना, और हमारा हू इत्यादि होता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें ध्यान देना है हम लोगों को कि जो भी होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या है हू है, या हमारा बाई हूम में क्या होगा चेंज होगा, और जैसे हम लोग टेंस चेंज करते थे वैसे ही होगा है ना। और मान लीजिए यहाँ हूम हो, हूम लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा हू में चेंज होगा है ना, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको बार बार सोचने की समझने की जरूरत होगी। तो इसमें जैसे कि हमारा विच हो या वाट हो, लेकिन यह हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो, क्या हो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो, तब तो इसके साथ हम लोग बाई विच या वाट का हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे बाई विच या बाई वाट का यूज करेंगे है ना। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, कि जब हु रहेगा तो बाई हु में, हुम रहेगा तो हु में, विच और वाट रहेगा लेकिन सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, तो हम लोग बाई विच या वाट का यूज करेंगे है ना। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप वो ध्यान से देखो। पैसी बनाएंगे है ना, हम लोग इसका पैसी बनाएंगे, ये हमारा एक्टिव है, ये पैसिव होगा, ये एक्टिव है, ये पैसिव होगा है ना। तो जब हम लोग इसका पैसी बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे क्या यह हमारा वाट सब्जेक्ट के रूप में आया कि नहीं, तो वाट मेक्स यू हैप्पी इन योर लाइफ, यह हमारा है, तो यहाँ का हो जाएगा बाई वाट। और भी क्या है हमारा, हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब यहाँ का हो जाएगा आर 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 यू मेड हैप्पी इन योर लाइफ है ना। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको बस इसको पहचानना रहता है। तो हुम है, इसका मतलब क्या है, हु में चेंज होगा, तो हु आर बीइंग हेल्प बाई यू है ना। आर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हमारा यहाँ पे इज होगा, क्योंकि यहाँ तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा इज होगा, हु इज बीइंग हेल्प बाई यू। फिर इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो हु टीचेज यू बैड लैंग्वेज, तो यह भी हमारा वैसे ही हो जाएगा बाई हुम। अब यहाँ हमारा क्या होगा आर बाई हुम आर यू टॉट बैड लैंग्वेज हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे विच स्टूडेंट हेल्प यू, यहाँ भी हमारा क्या होगा बाई विच स्टूडेंट। अब यह हमारा वी टू में है, इसका मतलब क्या होगा वेयर हो जाएगा, वेयर यू हेल्प, हमारा क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। तो हम लोग इसको बहुत इजी बना सकते हैं, बस इसको यही ध्यान रखना है, ज़्यादा करके एग्जाम में जो 10+2 के एग्जाम आता है वो आता है, हुम और हु पे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर भी मैं आप लोग बता दिया कि जो को भी हो, वेन हो, हमारा विच हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, बल्कि आपको देखना है क्या वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तब हम लोग उसको इस तरीके से बनाएंगे, अदरवाइज नहीं हुआ तो उसको हम लोग सिंपल तरीके से बनाते हैं। और यू रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे टेंस चेंज होता है वैसे ही हम लोग इसको भी चेंज करेंगे है ना। तो फिर अब आगे हम चलते हैं इन्फिनिटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश पढ़ेंगे हम लोग, इन्फिनिटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और ठीक है। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, 2+V1 होता है, जो हम लोग इन्फिनिटिव के रूप में जानते हैं। तो जब इसका हम लोग एक्टिव वॉइस का अगर हमें स्ट्रक्चर लिखे हैं, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखे हैं ये है ना, तो हमारा क्या होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर वाज वर है ना, हैज हैव या हैड प्लस
टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर इस रूप में हमारा क्या हो, अगर स्ट्रक्चर हो, है ना, तो जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इसको हम लोग पैसिव वॉइस के रूप में चेंज करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ काम करेगा। उसके बाद हमारा सब यह रहेगा इज एम आर वाज वर हैज हैड या हैड प्लस टू। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि टू के बाद हमारा क्या होता है, बी और प्लस वी थ्री, यही हमारा और यह हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन जाता है, सब्जेक्टिव केस हो जाता है। हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी यह चेंज हो जाता है ऐसे, है ना। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लिखते भी नहीं हैं हम, इसको भी हमारा तो ऑलरेडी आता ही है, तो इस रूप में हम लोग चेंज करते हैं, है ना। तो जब इन्फिनेटिव से जो क्वेश्चन बनता है इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। इस पर रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे एक्टिव वॉइस है, ये भी हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका हम लोग जो पैसे बनाने की कोशिश करेंगे, इसका जब हम लोग पैसे बनाएंगे तो हमारा वही बात है, बस इसमें कुछ नहीं सोचना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, वी वन होगा, उसी पे ध्यान देना है। उसके बाद तो हम लोग जैसे बनाते थे पहले वैसे ही बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा, चेस, क्या हो जाएगा, चेस इज टू बी, अभी क्या हो जाएगा, लर्न बाय योर चाइल्ड, है ना। बहुत इजी होता है इसको, लेकिन सिलेबस में था इसलिए हमको बताना था। ये भी हमारा पैसिव बनेगा जब, तो क्या होगा, द टीचर इज टू सॉल्व द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में ही है, इसका मतलब ये पूरा हो क्या है, यहाँ पर द स्टूडेंट द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट, द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमको ध्यान देने की जरूरत है, द डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट इज टू बी सॉल्व बाय द टीचर द टीचर, है ना। क्या हो जाएगा, द टीचर हो जाएगा हमारा, द टीचर, है ना। तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग इस पे जितने भी आपके पास किताब है उसे आप लोग ट्राई करें, अवश्य सभी क्वेश्चन बनेगा इसमें कुछ। बस आप लोगों को देखना है हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वी वन, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वी वन, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ चेंज करते हैं। अदरवाइज जो हम लोग टेंथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसी के हिसाब से और सब चेंज होगा, है ना। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि टू बी प्लस वी थ्री क्या हो जाता है हमारा पैसिव में, यहाँ भी देखिए टू प्लस बी प्लस वी थ्री हो जाता है हमारा पैसिव में, बस इतना ही चेंज होता है। फिर हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें कमांड, ऑर्डर, है ना, एडवाइस, सजेशन इत्यादि का बोध होता है, ठीक है ना। उसमें अगर ऑर्डर दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, कमांड किया जाता है, तो उससे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले कमांड से क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। कमांड, है ना, तो कमांड का मतलब होता है आदेश, लेकिन आदेश ऐसा आदेश जो नौकर को नहीं दिया जाता है, अर्थात एक नॉर्मल आदेश है जिसको आप एक, जैसे कि मान लीजिए कि बोला जाता है कि आपको करना ही करना है, जैसे कि एक मालिक नौकर को बताता है, वैसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन रहता है ऑर्डर और कमांड में, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि दोनों एक ही जैसा है, है ना, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर लिखें, इसका स्ट्रक्चर लिखें अगर एक्टिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर लिखें, तो वी वन प्लस हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, वी वन प्लस एडजेक्टिव हो जाता है। जब इसको हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो ये हमारा लेट से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारा वी वन लेट प्लस वी वन लेट
प्लस वी वन, और हमारा जो इसका यूज करते हैं हम लोग लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी वन का यूज हम लोग करते हैं ना, लेट प्लस यहाँ पे हम लोग अगर अगर सब्जेक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री का यूज होता है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री का यूज होता है। जब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर पे बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग क्या क्लियर करेंगे, हम लोग ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं ना, तो इसको हम लोग पैसिव बनाए हैं, ये हमारा क्या है एक्टिव है, ये अगर हम इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, और यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा हमारा पहले, तो क्या हो जाएगा हमारा अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर है ना। अब हमारा बी लगेगा, क्या लगेगा बी, अ ग्लास ऑफ वाटर बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ओ सॉरी यहाँ पे हमारा लेट लगेगा है ना, यहाँ पे क्या लगेगा लेट लगाना पड़ेगा क्योंकि लेट स्ट्रक्चर में है तो लेट तो लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लेट अ, यहाँ पैसिव वॉइस में लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट ब्राउट है ना, लेट बी ब्राउट बी थ्री लगेगा। फिर इसको हम लोग बनाएंगे, ये हमारा क्या है एक्टिव वॉइस में है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में, तो इसको हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा हमारा, फिर यहाँ लेट लगेगा, लेट योर स्टूडेंट्स है ना, लेट योर स्टूडेंट बी वी टॉट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा वी टॉट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इससे रिलेटेड जो कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। हम लोग एक्टिव वॉइस के रूप में जो स्ट्रक्चर होता है उसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस सॉरी वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, हम क्या लिखते हैं वी वन प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन जब इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं, जब हम लोग इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, यू आर ऑर्डर टू प्लस यू आर ऑर्डर टू प्लस वी वन लगाते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं यू आर ऑर्डर टू प्लस हम लोग वी वन लिखते हैं है ना, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसके हिसाब से चलता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्टिव वॉइस है, हमारा पैसिव वॉइस है, तो इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस के सॉरी एक्टिव वॉइस ये भी है, ये हमारा क्या है एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या होगा हम लोग इसके हिसाब से बनाएंगे, कह रहा है ड्राइव द कार यानी गाड़ी चलाओ, तो ये ऑर्डर दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा यू आर ऑर्डर टू ड्राइव द कार। अब इसको हम लोग यहाँ पे वी वन हम लोग लिखेंगे, जो यहाँ पे हमारा क्या होगा यहाँ वी वन होगा तो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा जो रहेगा वो तो एडजेक्टिव उतरेगा ही उतरेगा, ध्यान दीजिएगा जो यहाँ रहेगा वो ऑलरेडी उतरेगा ही उतरेगा। यहाँ फिर आते हैं हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो पैसिव वॉइस के रूप में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा you are ordered not to eat food, क्या हो जाएगा not to eat food, क्योंकि यहाँ not है तो हम लोग क्या लगाएंगे not तो लगाएंगे क्योंकि यह negative में है, तो इस तरह हम लोग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं है ना। इस संबंधित क्वेश्चन को जानेंगे, तो रिक्वेस्ट से संबंधित वैसे ही क्वेश्चन होगा जब हमारा एक्टिव वॉइस बनेगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा वी वन प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा है ना। लेकिन इसमें ध्यान देने की जरूरत है ना कि प्लीज और काइंडली आएगा, तो हम लोग इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करते हैं, तो हम लोग इसमें पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू
उसके बाद ही हम लोग ईएटी का जो हमारा चीज़ होता है वो उतार देते हैं। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो रहेगा ऑब्जेक्ट उतर जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हम लोग एक्टिव है, इसको हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो फिर देखिए यह क्वेश्चन जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, रिक्वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसमें हमेशा प्लीज काइंडली लगा के आएगा। ज़्यादा करके क्वेश्चन ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, प्लीज है, इसका मतलब क्या लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ से हमारा क्या है, सीधे हम लोग एजेटिव उतार ही देते हैं, ओपन द विंडो, ठीक है। अगर हमारा ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करें। फिर यहाँ क्या है, प्लीज क्या है, प्लीज फिनिश द वर्क इन टाइम। तो फिर वैसे ही लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। हमारा यह क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। तो आप लोग, मैं बता दिया कि काइंडली प्लीज और काइंडली से आता है, रिक्वेस्ट से संबंधित क्वेश्चन कैसे आता है, तो ऐसे ही आता है ना। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो एडवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा एक्टिव वॉइस में क्या होगा, V1 प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो यू आर एडवाइज टू प्लस हमारा V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, यू आर एडवाइज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, मैंने लिखा था कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका हम लोग पैसिव क्या बनाते हैं, यू आर एडवाइज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी रूप में बनाते हैं हम लोग, है ना। जब ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो फिर इसको हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस बनेगा, तो वैसे ही बनेगा। क्या बनेगा, यू आर एडवाइज टू ओबे द रूल्स। फिर इस हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, नॉट टू ड्रिंक हियर हो जाएगा, हाँ। तो हम लोग जब भी एडवाइस से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो हमारा एक्टिव वॉइस क्या होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी वर्ब फॉर्म 1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, तो यू आर एडवाइज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट टू लिखते हैं। तो यह हमारा क्या है, ओबे द रूल्स, तो यू आर एडवाइज टू ओबे द रूल्स, डोंट ड्रिंक हियर, तो वैसे ही हम लोग इसको बनाएंगे, यू आर एडवाइज नॉट टू ड्रिंक हियर, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे, वह सजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब हम लोग इससे, यह हमारा एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सजेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यह भी हमारा क्या होता है, यह हमारा V1 प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो यह सब्जेक्ट के रूप में आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, यह ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन जब सजेशन की बात आती है, तो हम लोग शुड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शुड बी, क्योंकि मॉडल होता है शुड बी, और उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, V3, और उसके बाद जो हमारा इधर वाला अगर सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे हम लोग वैसे ही इसको छोड़ देते हैं, है ना, वैसे ही हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हटाइए और आप क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन है हमारा, हेल्प द पुअर पीपल। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में बदलेगा, तो द पुअर क्या हो जाएगा, द पुअर
पीपल, द पुअर पीपल, ठीक है, शुड, शुड बी हेल्प क्या हो जाएगा, शुड बी हेल्प हो जाएगा हमारा। फिर अगर ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, यह क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से द काइट शुड क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, द काइट्स शुड, शुड बी ब्लेस्ड क्या हो जाएगा, शुड बी ब्लेस्ड हो जाएगा हमारा। हाँ, तो जब भी हम लोग सजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग ध्यान देना है कि शुड बी प्लस वी थ्री का यूज हम लोग करते हैं, क्योंकि सजेशन क्या, एक सलाह दिया जाता है और सलाह के सेंस में हम लोग शुड बी का यूज करते हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, इससे एक और वीडियो हो सकता है आए, उससे जो छूटा उठा होगा मैं देखूँगा, है ना, तो उससे रिलेटेड जो एक वीडियो आ जाएगा उसके बाद वॉइस ख़त्म हो जाएगा, और कुछ इसके पीछे वाला वीडियो में हो सकता एक प्रॉब्लम हो गया था, सिली मिस्टेक हो गया था, है ना, तो उसमें हम बाई लिख दिए थे, लेकिन बोले थे कि यह क्या है पैसिव वॉइस में, लेकिन लिखा गया था बाई, उसको इग्नोर कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप लोग इग्नोर करके चलिएगा, और आप लोगों से भी है जो आप लोग एडिटिंग करते हो तो तुम लोग भी थोड़ा सा देखा करो, है ना, क्योंकि मैं देखता हूँ नहीं, और तुम लोग हमसे एक बार सलाह ले लो कि एक बार देख लीजिए वीडियो कहीं इधर तो नहीं है, है ना, तब डाला करो, नहीं तो होता क्या है कि जब वीडियो डाला जाता है तो पता चलता है कि यहाँ इधर था, है ना। धन्यवाद।